देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। इंडार की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नंदराम जी आज बेहद ही दुखी हैं। वो क्या है कि किसी बीमारी के कारण आज उनके बहनोई का देहांत हो गया है, इसलिए वो आज सुबह सुबह अपनी बहन के घर जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि नंदराम जी अपने गांव के एक जाने माने पहलवान हैं, जिनकी पहलवानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं। नंदराम जी सही समय पर अपनी बहन के घर पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार सारा काम करवाया और शाम होते ही अपने घर की ओर चल दिए। चलते चलते रात के 9 बज चुके थे। अभी उन्हें 1 घंटे का रास्ता और तय करना था। रास्ता कच्चा होने के कारण नंदराम जी को जल्दी चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मगर नंदराम जी अपनी लाठी को कंधे पर रखकर चलते ही जा रहे थे। वो कुछ दूर चले ही थे कि तभी नंदराम जी को एक काला कुत्ता नजर आया, जो रास्ते के बीचों बीच खड़ा होकर नंदराम जी को एक टक देखे ही जा रहा था। तभी नंदराम जी ने उस कुत्ते की ओर ध्यान से देखा तो उसकी आंखें खून की तरह लाल सुरख दिखाई पड़ रही थी। नंदराम जी उस कुत्ते को लाठी दिखाते हुए आगे की ओर बढ़े, मगर वो कुत्ता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी नंदराम जी ने उस कुत्ते में अपनी लाठी को घुमाकर मारा कि वो कुत्ता अचानक ही वहां से गायब हो गया। कुत्ते के गायब हो जाने पर नंदराम जी एकदम से चौंक गए और वो थोड़ा डर भी गए कि तभी नंदराम जी ने अपनी चाल दुगनी कर दी कि थोड़ी देर बाद उन्हें वही कुत्ता फिर से मिल गया। नंदराम जी उस कुत्ते को देखकर फिर से रुक गए कि तभी उस कुत्ते ने नंदराम जी पर हमला कर दिया। जैसे ही कुत्ते ने हमला किया कि नंदराम जी ने अपनी लाठी को जोर से घुमाते हुए उस कुत्ते में मार दी। जैसे ही वो लाठी उस कुत्ते में लगी कि वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया, जिसे देखकर नंदराम जी बेहद डर गए, क्योंकि वो एक शैतान था जिसके बड़े बड़े सींग और लाल सुरख आंखें थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि नंदराम जी से उसके चेहरे की ओर देखा भी नहीं जा रहा था। तभी उस शैतान ने कहा, चल आज देखता हूं मैं तेरी पहलवानी। कि तभी नंदराम जी में और उस शैतान में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में नंदराम जी को काफी चोट आ गई। जब नंदराम जी को लगा कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, तो नंदराम जी ने झुंड की पतेल में आग लगा दी। आग के चलते ही वो शैतान वहां से भाग गया और नंदराम जी ने रात के 3-4 घंटे वहीं आग के पास बैठकर बिताए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो शैतान फिर से रास्ते में ना मिल जाए। और फिर सुबह होते ही नंदराम जी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।